तो कभी भी ये सांप काटे, कोई भी जहरीला सांप काटे, हमारा मानना है कोई भी सांप काटे आपको सांप पकड़ना है, बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना है, सीधा हॉस्पिटल जाना है। बाकी दोस्तों इन नहीं नहीं बालों भैया, नहीं, नहीं। बाहर ला सके, भाग सकते हैं। दोस्तों यूट्यूब चैनल स्वागत है, आप देख रेस्क्यू बटन सिंह का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी हमारा रेस्क्यू कॉल आया है, अनंता होटल के जस्ट पास में कहीं कोई किचन के अंदर सांप घुस गया है, वहाँ पर फार्म हाउस है, फार्म हाउस के अंदर किचन के अंदर कोई सांप घुस गया, तो वहाँ पर काफ़ी लोग डरे हुए, तो वहाँ चलकर देखेंगे कि क्या क्या स्थिति है। और ये लगभग उदयपुर से दोस्तों 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर होगा। आप सबसे पहले आपको मल्लदगढ़ आना पड़ेगा, फिर आप रामपुरा जाएंगे, रामपुरा से आप अनंता होटल से जस्ट थोड़ा सा आगे ही है। तो आप वीडियो बने मेरे साथ, राहुल वैष्णव कैमरामैन, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन सा सांप। तो दोस्तों अभी अनंता रोड पर चल रहे हैं, रास्ते में वहाँ पर किचन में सांप है, मैंने आपको बताया था शुरू में वीडियो में, तो आप वीडियो बने रहे। अभी ये रास्ते में चल रहे हैं, आप देख सकते हैं ये अनंता रोड है, अनंता होटल के जस्ट आगे कहीं बता रहे हैं। आप उदयपुर में देख सकते हैं मानसून आया हुआ है पूरा। अभी तो दोस्तों फाइनली अब लोग हम पहुंचने वाले हैं, ये उदय बाग है, आप देख सकते हैं जस्ट इसके अंदर ही हमें जाना है। ये भैया खड़े हैं, अब यहाँ से ये भैया हमें आगे आगे ले जाएंगे स्पॉट पे जहाँ पर स्नेक निकला। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल एक फार्म हाउस है बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हरियाली है, आसपास काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे उग रहे हैं। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं जहाँ पर सांप निकला है, वहीं पर कोई किचन के अंदर स्नेक बता रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों अब ये लोग हम किचन में अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो भैया ने गेट खोल दिया है, अब हम अंदर। तो भैया कह रहे हैं कोने में जाली के अंदर बैठा हुआ है, तो अब देखते हैं कौन सा स्नेक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कोबरा स्नेक है, आप देख सकते हैं कि जस्ट किचन के अंदर है, ये लोग खड़े हैं पीछे, आप देख सकते हैं। इसे लोग आम भाषा में नाग कहते हैं और फंड वाला सांप इसका साइंस नेम दोस्तों नजर ना जा, और कोबरा इसका इंग्लिश नेम। ये एक जहरीला सांप है यानी वेनम स्नेक, इसमें दोस्तों न्यूरोटॉक्सिन के नाम का वेनम पाया जाता है और ये काफ़ी जहरीला सांप है। अगर ये काट ले, अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले तो इंसान की मृत्यु हो सकती है अगर आप टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुँचे। तो ये सांप काटे तो कभी भी आप सीधे हॉस्पिटल जाए बिना समय व्यर्थ करें। दोस्तों इसका जो भोजन है ये चूहों खाना पसंद करता है, पर जो इसका मन पसंदीदा भोजन है वो दूसरे सांपों खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियो शूट किए जिसमें आप हमारे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर कोबरा दूसरे सांपों को खाया जा पाया जा चुका है। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि जो लोग स्नेक बाइट से मर रहे हैं लोग बाग वो मरे नहीं, हमें कॉल करें। हमारी कोशिश है दोस्तों कि जितना जल्दी हो सके सांप जो घर के अंदर गलती से घुस जाते हैं उन्हें वापस रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित रिलीज करें। और दोस्तों इसे गांव में फंड वाला सांप इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसका जो हुड है, इंग्लिश में इसे हम हुड बनाना कहते हैं, उसे लोग लोकल भाषा में फंड वाला सांप फंड बनाना कहते हैं। तो उसे फंड वाला सांप कोबरा को ही कहा जाता है, अक्सर लोग कंफ्यूज जाते हैं, तो बता दूं कि कोबरा को ही फंड वाला सांप कहा जाता है और नाग के नाम से ये गाँव में अक्सर जाना जाता है। कोबरा स्नेक है, साइंस नेम इसका नाजा नाजा, ये एक जहरीला सांप है, इसमें न्यूरोटॉक्सिन के नाम का वेनम पाया जाता है। और कभी भी सांप दिखे तो दोस्तों आपको मानना नहीं, हमें कॉल करना है, हमारा हेल्पलाइन नंबर 9414234826982998295977222। आप गूगल पे भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों ये जाली के अंदर है, तो जाली काफ़ी टाइम से बंद है, तो जाली निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसे हम आगे की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे और फिर इसे बाहर निकालेंगे, आगे की तरफ उसको सिरकाएंगे और दूसरी तरफ जो इसका जाली का मुंह खुला हुआ है वहाँ से इसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो बने रहे कहीं जाए ना, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो आइए दोस्तों इसका रेस्क्यू करते हैं आप।
कुछ पतला आया हुआ है क्या भैया? उठा मेरी एंगल एंगल बड़े एंगल उठाया ऐसे उधर ये रेख हटा देते ना तो अपन उन्हें आसान करते हो उधर निकलता वो इस तरफ से आया उस तरफ से आया तो दोस्तों अभी बिग साइज आ गया है काफी देर मशक्कत करने के बाद आप देखते काफी बिग साइज में और ये वीडियो देखकर आप गलती मत करेगा ये काम इसे एक्सपर्ट के आप करेंगे शायद अगर खतरा हो जाए नहीं नहीं भैया नहीं नहीं बाहर ला सके भाग सकते हैं तो दोस्तों यहां पर भी खतरा होता है कभी भी स्नेक पूरा चले जाए उसके बाद भी रिस्क रहता है आप कभी ये गलती ना करें कि इसे डायरेक्ट उठा ले या फिर कर ले हम लोग एक्सपर्ट होते हैं ऐसी चीजों करने के यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा होता है तो आपको हमेशा स्नेकू का इस्तेमाल करना है मैं जिस तरह से कर रहा हूँ उसी तरह से आपको करना है इस तरह से रोल करना है इस तरह से रोल करने के बाद आपको यहाँ पर कीटान मारते नहीं है मैं आप डायरेक्ट कीटान भी मार सकते हैं पर मैं जिस तरह से इस रस्सी का इस्तेमाल करूंगा उस तरह से आप भी कर सकते हैं और अभी से दोस्तों आप मिलेंगे रिलीज वीडियो में एक बार भैया का इंटरव्यू लेंगे तो आप वीडियो मिलेगा बनना भैया का एक बार भैया आपका नाम विपिन कुमार आपका सर जयदीप कुमार जी कहियो क्या भैया का क्या स्थिति थी आप यहाँ पर मतलब क्या काम कर रहे थे कि दिखा कि क्या हुआ काम कर रहे थे फ्रिज खिसका रहे थे तो अंदर बैठा था नीचे नाली में अच्छा तो फिर देखा इसके बाद में हमने अच्छा, बताया ये एड्रेस बताएंगे प्रॉपर हमको ये कोडियात रोड है रामपुरा से आगे थोड़ा अच्छा अनंता से जस्ट अनंता से जस्ट पहले तो दोस्तों यहीं पर निकला था कोबरा ये जहरीला सांप है कभी भी ये काट ले तो बिल्कुल भी अपन को ये बाबा ओझा के चक्कर सीधा हॉस्पिटल जाना है वैसे तो अपने सांप पकड़ने की कोशिश भी नहीं करनी है दिखते ही आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर उस पर कॉल कर देना है कोबरा का है ना बिल्कुल सर कोबरा सांप है इसको लोग आम भाषा में नाक कहते हैं भैया आपको नंबर कहाँ से मिलता हमारे गूगल से हमारा नंबर मिले थे भैया को तो आपको भी अगर हमारा नंबर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो गूगल पे देख सकते हैं तो आपको मिलेंगे आप रिलीज वीडियो में रिलीज कर रहे हैं इस कोबरा को हमने रेस्क्यू किया था आप देख सकते हैं स्पेक्टिकल कोबरा जिसे लोग आम भाषा में नाग कहते हैं और एक वेनमस स्नेक है जिसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का वेनम पाया जाता है तो कभी भी सांप दिखे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है हमें कॉल कर सकते हैं हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9414234826982959577222 के दोनों अवेलेबल है गूगल पर भी देख सकते हैं आप जाके तो वीडियो में अंत तक बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं किसी वीडियो की जंग जो है जय हिंद जय भारत।